भाई M416 और उसका अल्टीमेट सेट। और भाई साहब ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है भाई, क्या ही तगड़ी लग रही है इस वाली M4 का ग्लोरियस मोमेंट। आप लोग देखो ऑन इट इफेक्ट देखो और भाई एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट देख के पागल होने वाले हो। साथ ही साथ इसमें जो ट्विस्ट है, इसमें यहाँ पे एक लिंक अपग्रेडेबल नहीं बल्कि दो दो लिंक अपग्रेडेबल है। मतलब इस M4 को निकाल के आप जैसे ही अपग्रेड करते जाओगे तो आपका मॉल्टो और ग्रेनेड का स्किन भी अपग्रेड होता जाएगा। तो भाई ये M4 बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होने वाली है और धमाल मचने वाला है इस वाली M4 के आने के बाद। तो यहाँ पे ये आपका बैग पैक होने वाला है मिथिक, जो कि आपका इसी अल्टीमेट सेट के और M416 के साथ आने वाला है। और ये आपका ग्लाइडर होने वाला है, इसका इमोट भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है और ये 3.0 के अपडेट के बाद आने वाली है M416। जैसे ही आपका अल्टीमेट सेट जाएगा उसके तुरंत के बाद ये वाला जो है तो आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग भाई इसका हवर बोर्ड क्या ही खतरनाक है। उसका वो जो सिनोबी निंजास जो यूज करते हैं ना, कामुई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, वो क्या ही खतरनाक ग्लाइडर के चारों तरफ उड़ रहे हैं। और ये है अपना मॉल्टो का स्किन जो कि आपका लिंक्ड रहेगा M416 से। मतलब आप M416 से मारो बंदे को, मॉली से मारो या फिर ग्रेनेड से मारो, आपका भाई सब कुछ अपग्रेडेबल होने वाला है, वो भी लेवल 8 का। और ये रहा आपका ग्रेनेड का स्किन। भाई ग्रेनेड का स्किन थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है, लेकिन इसके जो इफेक्ट वगैरह रहेंगे वो बहुत तगड़े रहने वाले। और ये मास्क भाई साहब और ये अल्टीमेट सेट भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और ये पॉपुलरिटी होने वाली है आप लोग की जो आने वाले अल्टीमेट सेट के साथ। सिनोबी स्पिरिट इसका नाम रहने वाला है आउटफिट का। और ये है भाई अपनी M416। अभी मैं आप लोग को आगे लैब में चल के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग पहले देख लो इसका किल मैसेज जो एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट है भैया जी। मतलब एकदम अलग लेवल का है इसमें। और ये ब्लड रेवन से बहुत ज़्यादा मैच करता है क्योंकि इसमें भी वो फेदर आते हैं, वो जो क्रो के आते हैं बिल्कुल गॉड लेवल वाले। और ये है भाई, ये है ग्लोरियस मोमेंट। मतलब बहुत टाइम के बाद मुझे कोई गन की स्किन इतनी ज़्यादा पसंद आई है भाई साहब। और ये है हमारी पेटी होने वाली है इसकी M416 की। अभी मैं लैब के अंदर चल के आप लोगों को M416 भी दिखाता हूँ। और इसका ऑन हिट इफेक्ट, ऑन हिट इफेक्ट के अंदर इसके ग्लो है एक, जो ग्लो अभी तक सिर्फ M416 ग्लेशियर के अंदर ही देखने के लिए मिला है। लेकिन पहली बार अभी ये न्यू M416 के अंदर भी ये ऑन हिट इफेक्ट में ग्लो देखने के लिए मिलेगा। लाइक ऑन हिट इफेक्ट तो रहता है लेकिन वो बड़ा फीका सा रहता है, जैसे M416 ग्लेशियर का ग्लो करता है वैसे अभी तक किसी भी गन की स्किन में ग्लो नहीं हुआ है। लेकिन अब लग रहा है कि ये वाली M416 भी जो है के सारे फॉर्म आप लोगों ने देख लिए हैं। यहाँ पे चलते हैं अब एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट की तरफ। तो ये एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट जो इसमें एक पर्पल कलर का लाइक निकलता है फ्लेम, और ये भाई अपने सिग्नेचर आउटफिट के साथ कितना ज़्यादा तगड़ा लगेगा वो लोग तो वो तो आप लोग देख ही सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट। तो भाई एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ये वाली M416 कौन से आउटफिट सेट या फिर एक्स सूट के साथ कॉम्बो में बहुत ज़्यादा तगड़ी लगेगी। और ये है आपका ऑन हिट इफेक्ट भाई, तगड़ा ये है ऑन हिट इफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे लूट क्रेट है। लूट क्रेट के अंदर एनिमेशन बहुत ही कम दे के रखा है इन्होंने, अगर इसमें थोड़ा और एनिमेशन होता तो भाई और भी ज़्यादा तगड़ी लगती। मतलब कि ये जैसे ये हिल रहा है तो और भी ज़्यादा हिलता या फिर खुलता और बंद होता वो एनर्जी क्रिस्टल अंदर वाला। लेकिन ये बवाल चीज़ दी है भाई, बिल्कुल बवंडर चीज़ दी है ग्लोरियस मोमेंट के अंदर। मतलब आप बंदे मारो और अचानक से भाई पूरा बवंडर निकल के आ रहा है, गेम भाई अलग ही लेवल पे पहुंच चुका। तो ये M416 मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कितनी अच्छी लगी कमेंट्स बताना, रेट करना 10 out of 10 आप लोग कितना जो है तो इस M416 को रेट देने वाले हो। मैं तो भाई इसको 10 out of 10